बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि यह हफ्ता जो कि 6 नवंबर से शुरू होकर और 10 नवंबर तक चलेगा, ये हफ्ता किस तरह से बेनिफिट हमें दे सकता है और हम इससे किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक आईबी का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें या फिर आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होता है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें एक सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर दें तो हम आपको एक लिंक भिजवा देंगे, तो फिर आप हमारे साथ शरीके सफर हो सकते हैं। इस हफ्ते में कोई खास न्यूज नहीं है, अलबत्ता मंडे को सिर्फ एक बैंक ऑफ गवर्नर की स्पीक है तो इसको छोड़ देते हैं, कोई खास न्यूज नहीं यहाँ पे लग रही। और अगर आप नीचे देखें तो ट्यूसडे में भी कोई खास न्यूज नहीं है, सिर्फ एक एफओएमसी की स्पीक है और उसके बाद वेडनेसडे को एक न्यूज है जिसमें फेड चेयर पॉल की स्पीक है, ये मार्केट पे इफेक्ट हो सकती है आपकी वेडनेसडे वाले दिन 7:15 PM पर। एल्स कोई बड़ी बिग न्यूज आपको नजर नहीं आ रही। और थर्सडे को भी सिर्फ एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये हल्की फुल्की न्यूज है, इसके ऊपर मार्केट तकरीबन 200 पॉइंट के करीब मूव कर सकती है, तो ये एक न्यूज मार्केट पे इफेक्ट हो सकती है। उसके बाद फ्राइडे को एक बड़ी न्यूज है जिसमें कंज्यूमर सेंटीमेंट है, ये कंज्यूमर सेंटीमेंट जो से मार्केट पर डेफिनेटली असरअंदाज होंगे। तो सिर्फ आपका फ्राइडे का एक दिन और उसके साथ आपका थर्सडे का एक दिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, एल्स मार्केट अपने प्योर टेक्निकल बेसिस पर चलेगी। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं हमारा गोल्ड किस तरह से मूव देगा और हमने गोल्ड में किस तरह से ट्रेड लेनी है। चलते हैं गोल्ड पे। इस वक्त मैं आपके साथ गोल्ड के 1 मंथ के चार्ट के ऊपर हूं, तो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर गोल्ड के पास जो पहली रेजिस्टेंस है वो 2008 की है, 2008 से 2010 की ये रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मार्केट अभी तक रेजिस्ट हो रही है। और अगर फर्ज करें इस रेजिस्टेंस को मार्केट कवर कर जाती है और उसके बाद रीटेस्ट करती है तो फिर 2080 से नीचे मार्केट के पास कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। 2080 से नीचे मार्केट के पास मंथली कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो यहां तक मार्केट आपकी इजीली चली जाएगी। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, इसको मार्केट बड़ी देर से ऑनर करती आ रही है। आप देखें अभी तक यहाँ पे भी ऑनर हो रही है, इससे पिछले महीने में भी यहाँ पे ऑनर हुई थी, इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑनर होती हुई नजर आ रही है, फिर यहाँ पे ऑनर होती हुई नजर आ रही है। तो 2010 की रेजिस्टेंस मार्केट के पास मंथ के ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। और अगर मंथ के ऊपर देखें तो मार्केट के पास 1962 की एक बड़ी सपोर्ट भी मौजूद है, ये वाली सपोर्ट। इस सपोर्ट में देखें मार्केट ने यहां से पहले ये रेजिस्टेंस थी, और अगर मैं थोड़ा सा क्लियर आपको करूं, पहले ये रेजिस्टेंस थी, फिर रेजिस्टेंस थी, फिर रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब आपने इसको तोड़ा तो ये यहाँ पे सपोर्ट बन गई है और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठ रही है। और ये सपोर्ट मार्केट को आपको यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है, इन दो मुकामात पे आपको यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है 1962 पे तो इसके ऊपर सिर्फ बाय बनेंगी, सेल नहीं बनेंगी 1962 के पास। और अगर फर्ज करें कि मार्केट इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट को तोड़ देती है 1962 की सपोर्ट को, तो मार्केट आपकी डायरेक्ट जोन से 1910 तक आएगी। ये मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट है, एक छोटी सी सपोर्ट आपके पास मिलेगी 1926 और 30 के पास, वो अगर वो सपोर्ट भी मार्केट तोड़ गई तो फिर आपके पास 1910 के अलावा कोई सपोर्ट नीचे मौजूद नहीं है यहाँ पे। और अगर इसको भी तोड़ेगी तो फिर 1813 की सपोर्ट जाके मार्केट को मिलेगी और ये एक अच्छी सपोर्ट होगी। ये मंथ के ऊपर मार्केट के पास 3 सपोर्ट मौजूद है, मंथ का याद रखिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है, अभी हम नीचे जाके उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अप साइड पे मार्केट के पास दोबारा बता रहा हूँ 2010 की रेजिस्टेंस है और फिर उसके बाद 2080 तक कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है मंथ के ऊपर। फिर डायरेक्ट अगर यहाँ से उठेगा टेस्ट करेगा तो फिर डायरेक्ट 2080 तक मार्केट आपकी जाएगी। अब चलते हैं आपके वीकली व्यू के ऊपर, वीक के ऊपर चलते हैं, वीक के ऊपर जाकर देखते हैं कि गोल्ड किस तरह से मूव दे रहा है, हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस मौजूद है और कौन सी सपोर्ट मौजूद। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इसके पास यहाँ पे एक अच्छी जोन सी वो रेजिस्टेंस थी, पहले ये रेजिस्टेंस थी और उसके बाद ये रेजिस्टेंस थी,
और अब दोबारा यही रेजिस्टेंस मार्केट ऑनर कर रही है। और इस हफ्ते में मार्केट ने एक रेड कैंडल जोन से वो क्रिएट करने की कोशिश की है इस रेजिस्टेंस को तोड़े बगैर। अगर फर्ज करें कि मार्केट यहां से वापस होती हुई एक यहां पे अच्छी कैंडल बना देती है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छा खासा इवनिंग स्टार बन जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मार्केट को यहां पे एक रेड कैंडल बनानी चाहिए इस हफ्ते में। अगर रेड कैंडल बन जाती है तो यहां पे आपका इवनिंग स्टार बन जाएगा, फिर मार्केट को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मार्केट के पास जो लेवल्स आएंगे वो 1910 के और उसके बाद 1813 के लेवल जोन से मार्केट के पास आपको क्लियर नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा मोहतात होकर काम कीजिएगा इस हफ्ते में, देखभाल की अगर इस रेजिस्टेंस को बेस बनाकर 2010 की रेजिस्टेंस को वीकली के ऊपर बेस बनाकर काम कीजिएगा। अगर मार्केट इसको जब तक नहीं तोड़ती आप लोग सेल साइड पे रहेंगे, अगर मार्केट इसको तोड़ जाती है रीटेस्ट करती है तो फिर हम बाय में जाएंगे और बाय में लेवल वही मंथली का होगा 2080 का। इसके बाद चलते हैं डे के ऊपर और डे के ऊपर जाके देखते हैं कि डे के ऊपर किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है और डे के ऊपर में किस तरह का व्यू दे रही है। डे के ऊपर जब मार्केट बढ़नी शुरू हुई यहां से आपको याद होगा ये लेवल पे, और यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं कि यहां पे आपके पास FOMC के यहां पॉइंट्स आए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पे आपको NFP का डेटा मिला था और NFP का डेटा यहां पे आपका नेगेटिव था और नेगेटिव की बेस पर पॉजिटिव था और पॉजिटिव की बेस पर आपके गोल्ड को मजीद नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नीचे जाने के बजाय ये अपसाइड पे बढ़ना शुरू हो गया और दोबारा यहां पे जो आके आपको NFP का नया डेटा आके मिला इस पॉइंट के ऊपर, और ये जो उनका डेटा है वो नेगेटिव है और नेगेटिव की बेस पर गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन गोल्ड जो उनका आपका वो नीचे आ रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपका जो उनका NFP का डेटा यहां पे पॉजिटिव था, गोल्ड को नीचे जाना चाहिए था, गोल्ड ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे NFP का डेटा जोन सा वो नेगेटिव है, गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन आपका गोल्ड जोन सा वो वापस आना शुरू हो गया। इसलिए बहुत मोहतात होकर काम कीजिएगा क्योंकि ये जो डेटा है ये अक्सर आपको गुमराह करता है। तो लेकिन हमने अपने रेजिस्टेंस को देखना है कि हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पे 2008.63 की है डे के ऊपर, तो डे के ऊपर आप इसी के साथ काम कीजिएगा। ये जोन सा उसने हैमर बनाया है और ये हैमर जोन सा है वो मार्केट को मजीद बेरिश कर सकता है डे के ऊपर। तो डे के ऊपर अभी तक भी रेजिस्टेंस वही है 2008 की और नीचे जोन सी सपोर्ट है 1992 की है, तो 1992 की सपोर्ट अगर मार्केट नहीं तोड़ती तो फिर हो सकता है 2008 को तोड़कर ऊपर निकल जाए, लेकिन अगर 1992 को तोड़ जाती है इसके नीचे ट्रेड करती है तो आप निचली साइड पे 1962 को देख सकते हैं, उसके बाद न्यू जोन से आपकी सपोर्ट होगी 1947 की होगी और उसके बाद फिर 1920 की और फिर 1910 की, यानी कि 1920 तक मार्केट को आप अपना रिस्क को मैनेज करके रखिएगा। 1920 तक आपकी मार्केट आ सकती है अगर मार्केट यहाँ से 2008 को नहीं तोड़ती तो 1920 तक आ सकती है, उससे नीचे मजीद जाती हुई मार्केट अभी नहीं लग रही। इसलिए बहुत देखभाल के काम करने का वक्त है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, हर एक के बाद ये कह रहा हूँ। हमारा आपके साइट पर इस वक्त एक स्क्रीन चल रही होती है जिसमें हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं अपना ग्रुप का डेटा कि ग्रुप में हम लोग किस तरह से ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमें एक व्हाट्सएप कीजिए तो उसके बाद हमारे साथ शरीक सफर हो जाएं। अब मैं उनके लिए हूँ जो स्कैल्पिंग का काम करते हैं, तो जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो सा है ये लेवल है 2002 का, अगर इस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ती तो आप सेल साइड पे रहिएगा और उसके बाद निचली साइड पर 1992, 1986, 1975 और उसके बाद 1969 और फिर 1963, ये लेवल एंड डाउन साइड के। और अगर फर्ज करें ऊपर तोड़ जाती है तो 2008, 2013, 2020 ये लेवल तक मार्केट आपकी अपसाइड पे जा सकती है। ये स्कैल्पिंग वालों के लिए मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ इस हफ्ते के लिए। इंशाल्लाह गोल्ड ऐसे मूव करेगा जैसे मैंने आपको बताया। आप चलते हैं US ऑयल की तरफ और US ऑयल में जाके देखते हैं US ऑयल हमारा किस तरह से परफॉर्म करेगा इस हफ्ते में। US ऑयल ने वहीं से रेजिस्टेंस ली है जो मैंने आपको पॉइंट बताया था 84 के पास,
84 के पास जो ही आया है तो इसको वहां से रिजेक्शन मिली है और इस वक्त ये वही हमारा लेवल 79.80 तक आ रहा है। यूएस ऑयल को यहां तक आना चाहिए, उसके बाद आकर यहां पे एक बाय बनेगी। तो यहां से अगर 100 पे यूएस ऑयल मजीद नीचे आता है, 79.80 तक आता है, तो उसमें बाय कीजिएगा। और अगर हम इसको एक वीकली नज़र पे देखें, चूंकि हम लोग वीक का इस वक्त एनालिसिस पे हैं, तो इसको अगर वीकली नज़र में देखें तो वीकली में एक यहाँ पे बहुत अच्छा आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। वीक के ऊपर मुकम्मल तौर पे बेरिश है। जब इसने ये मॉर्निंग स्टार बनाया था, ये वाला सॉरी इवनिंग स्टार बनाया था, तो उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती ही नज़र आती थी। लेकिन ये जो सा पॉइंट है यहाँ पे 79.80, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए ओनर हुआ, ये ओनर हुआ, ये ओनर हुआ, इस वीक में ओनर हुआ, इस वीक में ओनर हुआ, यहाँ पे ओनर हुआ, और जब इसने तोड़ा तो फिर यहाँ पे रिजिस्ट भी हुआ, और रिजिस्ट होने के बाद ये 67 तक गया। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 79.80 का। यहाँ पे एक बाय का चांस लीजिएगा और बाय में दोबारा 81.79 और 84.80 यहाँ तक वीक में मार्केट आपको एक नए नए लेवल दिखा सकती है, ये वाले लेवल जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो डाउन साइड पर अगर मजीद इसको तोड़ती है तो 77.84 का लेवल है, और उसके बाद डायरेक्ट जोन साहब का लेवल 73.39 का बनेगा। यहाँ तक आपकी मार्केट आ सकती है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था क्रूड ऑयल में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।